हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप के सभी अच्छे होंगे। और आज आपकी क्लास काफ़ी जल्दी हो रही है। 4 बजे क्लास आपकी कभी नहीं हुई, बट आज आपकी क्लास ये 4 बजे हो रही है। और आई होप के आगे भी आपकी ये क्लास जो 14th century to 1600 तक ये क्लास जो चलेगी आपकी, ये शायद 4 बजे शाम को चला करेगी। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो कि 4 बजे क्लास लेने के लिए रेडी हैं? ओके, उत्तम, कला, शशि, सुमिति, सैगन, किस्कु, आदित्य, शंकर, विधि, शिवरे सभी लोग आ गए हैं। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है एकदम के नहीं आ रही, ज़रा मुझे बताइए कमेंट करके। उसके बाद में हम चलेंगे आगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, हालांकि 9 बजे वाली क्लास भी आपकी डेली हुआ करेगी, आज भी क्लास 9 बजे होने वाली है। ठीक है, उसमें आपके इडियम एंड फ्रेजेस काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट एक एक्सीलेंट कलेक्शन मैंने लिया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो सभी लोग आ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज आप लोगों की। ओके, मोहिनी, सौम्या सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करेंगे क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो TGT, PGT, LT ग्रेड की पेड क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है ना, वो अभी आपके पास 1 डे यानी कि 2 फरवरी तक का टाइम है, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके बाद में ये ऑफ़र आपका फिनिश हो जाएगा, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो बहुत जल्दी करें। चलिए, ये क्लास नंबर 1 है आपकी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉफ्रे चौसर टू विलियम शेक्सपियर। आगे भी चलेगा, बट पहले हम इतना कवर कराएंगे, उसके बाद आगे की हिस्ट्री आपकी चलेगी। ठीक है, Part 1 है, और रोज़ाना जो क्लास का टाइम है वो 9 बजे का है, और इस क्लास का जो टाइम रहेगा वो आपका 4 बजे का रहेगा शाम को। ठीक है, और जो इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर की जो क्लास होती है उसका टाइम आपका 9 बजे का रहता है। चलिए तो शुरू करेंगे क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, विच ऑफ द 4 चीफ डायलैक्ट दैट फ्लर्स्ट इन द प्री चौसरियन पीरियड बिकम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर्स टाइम। यानी कि चौसर के शुरुआती एज में जो 4 क्षेत्रीय भाषाएं थीं इंग्लैंड में, ठीक है, उनमें से ऐसी कौन सी क्षेत्रीय भाषा थी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का रूप धारण कर चुकी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सभी लोग बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल, सुनीता, विधि शिवरे, सुरेंद्र कुमार, ओके, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर आया दीपिका, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड इवनिंग दीपिका, हाउ आर यू। चलिए सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी से। मानवी सिंह, द ईस्ट मिडलैंड। क्वेश्चन नंबर 1 का जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 6, द ईस्ट मिडलैंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ईस्ट मिडलैंड। दिस इज द रीजनल लैंग्वेज दैट बिकम द स्टैंडर्ड इंग्लिश आफ्टर ऑल। ओके, गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। सुनीता, 1st का सी आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों का ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज है, उसके बाद में जो एल जुड़ गया है वो बाई मिस्टेक प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट, मतलब उसे इंग्लिश एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मिली थी और उसने इसे लैंग्वेज बना दिया। हु एस्टिमेट चौसर्स ग्रेटनेस इन दिस रेस्पेक्ट, यानी कि चौसर को इतनी ग्रेटनेस किसने प्रदान की है अपने शब्दों में? विलियम केर ने, लॉज ने, ठीक है, वार्ड है, या फिर मैंडीबल, ये किसने ये कमेंट किया है चौसर के लिए? ओके, हेमंती कुमारी, गुड इवनिंग हेमंती, हाउ आर यू। मोहिनी, आदित्य, सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, और इससे पहले मैंने 14th century से 16th century की एक क्लास ऑलरेडी ली है, जब एडेड जूनियर टीचर की भर्ती कराई थी उस समय पर मैंने ये पूरी सीरीज एक बार चलाई थी, बट क्योंकि दोबारा से शुरुआत की है तो फिर से शुरुआत से करेंगे, और आफ्टर ऑल पोस्ट मॉडर्निज्म तक आपका ये पूरा लिटरेचर लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए, और जैसे कि अब मौसम सही होता जा रहा है तो पहले क्लास केवल एक होती थी,
वन डे में एक क्लास होती थी, अब आपकी एक दिन में 3 क्लासें होने वाली हैं। कल भी आपकी 2 क्लास हुई थी, ठीक है। आई होप कि आपने जो ईडियम्स वाली क्लास है वो नहीं देखी होगी। तो अब आपको ज़्यादा हो सकते कंसंट्रेशन रखनी है कि क्लास कितनी हो गई है, कोई क्लास मिस तो नहीं हो गई है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश। जॉफ्रे चौसर की कौन सी पोएम है जो कंसीडर की जाती है फर्स्ट नोवेल, इंग्लिश का पहला नोवेल उसे माना जाता है। ओके, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द बुक ऑफ डचेस और ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग बताइएगा। ओके सुनीता, राहुल, गुड इवनिंग राहुल, हाउ आर यू। चलिए सभी लोग बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदित्य, थर्ड का सी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है। चलिए ओके सुमिति, थर्ड का सी, सभी लोगों का लगभग लगभग क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर थर्ड का सी आ रहा है। देखिए ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी का जो बैकग्राउंड है, कथानक है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, वो एक तरीके से किसके किसके जैसा है, नोवेल के जैसा है। आउटरेज एक उसमें लव स्टोरी दिखाई गई है, ठीक है, आप लोगों को कल भी मैंने कराया था ये। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे बाई जॉफ्रे चौसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश एज द प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसकी जो स्टोरी है उसके बेस पर उसको पहला नोवेल माना जाता है इंग्लिश का, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पर दिया गया है, देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन बोकाक्योज फ्लैस्टेटो। बोकाक्यो का जो वर्क है फ्लैस्टेटो उसमें और चौसर का एक और वर्क है उसमें यहाँ पर सिमिलरिटी बताई जा रही है। तो बोकाक्यो का वर्क तो दे दिया है फ्लैस्टेटो, चौसर का कौन सा वर्क है वो जिसमें सिमिलरिटी है। चलिए तो चौसर का वर्क कौन सा है, लीजेंट ऑफ गुड वुमन है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे है, प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स या फिर रोमन डीला रोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ ठीक है, सुनीता देवी गुड, विधि शिवर है, सी आर आर, राहुल यादव, मोहिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदित्य, फोर्थ का सी आर आर है, आशा मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, दीपिका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी वही आंसर है आपका, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे, ठीक है ना। इन द सेंस अगर हम कहें कि इसमें सिमिलरिटी क्या है, तो इसमें सिमिलरिटी है इसके करेक्टर्स की, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में कराएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए इसके जो कैरेक्टर्स हैं, करेक्टर्स का जो रिलेशन है, करेक्टर का जो इम्प्रेशन है और इन्फ्लुएंस है, उसके अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने फाइव, और क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है, द प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स टेक्स ऑन। कहने का मतलब ये है कि कैंटरबरी टेल्स जो चौसर के द्वारा लिखी गई है उसका प्लान किस पर आधारित है, फ्लैस्टेटो, डेकामेरन, रोमन डीला रोज और डिवाइन कॉमेडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल 14वीं सेंचुरी से आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो मैंने स्टार्ट की है, और अप टू एंड तक कुल मिला के पहले तो इसका एक एनालाइजेशन होगा 16वीं सेंचुरी तक, उसके बाद में ये इंडियन राइटिंग पे भी चलेगी और मॉडर्न एज पर भी चली जाएगी। काफ़ी लंबी सीरीज चलने वाली है ये, ठीक है। चलिए इंग्लिश विद सांग, ऑप्शन नंबर डी आ रहा, दीपिका सिंह, फिफ्थ का ए, विधि शिवर, चंद्र प्रकाश, रोमन डीला रोज। क्वेश्चन नंबर फाइव का जिन लोगों का आंसर है डेकामेरन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का जिन लोगों का आंसर है, ऑप्शन नंबर डेकामेरन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके ओके चलिए, डेकामेरन इज अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाई बोकाक्यो। डेकामेरन क्या है, बोकाक्यो के द्वारा एक टेल्स का कलेक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये, एंड इट वाज कंपोज्ड बिटवीन 1349 1349 से लेकर और ये आपका 1353 तक 1353 तक इसको कंपोज किया गया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट रिटन कलेक्टेड अ पीस ऑफ द पोइट्री। कहने का मतलब पोइट्री का रिटन एंड प्रिंटेड फर्स्ट कलेक्शन था ये डेकामेरन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसर डील्स विद द
शिवलरिक रोमांस, शिवलरिक रोमांस का मतलब होता है वीरतापूर्ण जो रोमांस होते हैं, ठीक है ना, छत्री वाले जो रोमांस होते हैं, बहादुरी वाले जो रोमांस होते हैं, ठीक है वो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसर डील्स विद द शिवलरिक रोमांस ऑफ पेल मैन आर्कराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टेल है वो, द मिलर्स टेल है, द मर्चेंट्स टेल है, द नाइट्स टेल है और द फ्रैंकलिन्स टेल है, क्वेश्चन नंबर 6। जिन लोगों ने कैंटरबरी टेल्स पढ़ा होगा, आई होप के सभी लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसने कैंटरबरी टेल्स नहीं पढ़ा हो, ठीक है। ओके सुनीता, विधि, नाइट टेल, वेरी गुड, जिन लोगों का आ रहा है नाइट टेल बिल्कुल ठीक है, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का जिन लोगों का आंसर आ रहा है नाइट टेल, एंड दिस इज द फर्स्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ओके। प्रतिमा त्रिपाठी, द नाइट टेल, वेरी गुड। एम के गौतम, सभी लोगों का ठीक है नाइट टेल, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है नाइट टेल, ओके। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने 7th, क्वेश्चन नंबर 7th पर दिया गया है, चौसर वाज कॉल्ड, चौसर को कहा जाता है द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स अबाउट चौसर, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा आल्सो, यानी कि चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा भी कहा गया है, द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स भी कहा गया है, बट यू हैव टू आंसर कि ये रिमार्क उन्हें किसने दी है, ठीक है, किट्रेज ने दी है, हडसन ने दी है, एल्बर्ट ने दी है या फिर अलेक्जेंडर पोप ने दी है, सभी लोग बताइएगा। चलिए ओके, आशुतोष शुक्ला ऑप्शन नंबर डी, निक्की कुमारी, गुड इवनिंग निक्की, हाउ आर यू, सुरेंद्र कुमार, सेवंथ का सियारा है। और आज आप लोगों की 3 क्लास हैं, आप लोगों को पता है ना, एक क्लास आपकी 4 बजे ये हो रही है, उसके बाद में पेड क्लास है आपकी 7 बजे से, उसके बाद में 9 बजे से एक और क्लास है, ठीक है, याद रखेंगे तीनों क्लासों को, ओके गुड। राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर डी, सुमिति जयसपाल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, एल्बर्ट, नोट कर लेना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका एल्बर्ट, एल्बर्ट हैड सेड दैट चौसर वाज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स एंड ही वाज आल्सो द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर, यानी चौसर के कौन से वर्क में चौसर प्रेजेंट करते हैं किस चीज़ की, स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, पिक्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा उनका कौन सा वर्क है जिसमें वो यूनाइटेड नेशन की पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं, द हाउस ऑफ फेम, द नाइट और मर्चेंट और कैंटरबरी टेल्स। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कॉमन सेंस वाला है कि कौन सा वर्क चौसर का है कौन सा नहीं है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क कौन सा है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आशा मिश्रा नाइट बता रही है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका कैंटरबरी टेल्स। और मुझे लगता है कि ये सीरीज मैंने लगभग 3 महीने पहले चलाई थी और लगभग सभी ने देखी थी, बट यू फॉरगेट इट, शायद आप लोगों के ध्यान से उतर गया ये क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, रिमाइंड हो जाएगा दोबारा से। ओके हेमंती, तोमर, निशु, सौम्या मिश्रा, प्रीति यादव, विधि, सभी लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, गुड। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 9th, क्वेश्चन नंबर 9th पर दिया गया है, व्हेन एडम ड्वेल्ड एंड इवन स्पेन, कमेंट किया गया है, हु वाज देन द जेंटलमैन, ठीक है, हु टोल्ड दिस टू पीपल, लोगों को इस कमेंट को किसने सुनाया था, एन एगिटेटर फ्रॉम पीजेंट्स, ए रोमांटिक पोइट, ए रिफॉर्मर, एन ऑथर ऑफ प्रोज वर्क, यानी कि प्रोज राइटर थे एक, एगिटेटर का मतलब किसान आंदोलन के उसका नेतृत्व करने वाले लोग थे, ये रोमांटिक पोइट थे या एक समाज सुधारक थे, ये जो कमेंट किया है ये किसके द्वारा किया गया है, सभी लोग बताइएगा। चलिए ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। राहुल यादव ऑप्शन नंबर 11, वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये जो दिया गया है एन एगिटेटर फ्रॉम पीजेंट्स, ये कौन थी, इनका नाम था जॉन वाल, नोट कर लेना जॉन वाल, ये पीजेंट रिवोल्ट जो हुआ था उस पीजेंट रिवोल्ट के एक लीडर थे, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में, 1381 में जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उस रिवोल्ट का ये नेतृत्व करने वाले कैंडिडेट थे, इनका नाम था जॉन वेल, ठीक है, जॉन वेल। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये,
आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th पर पूछा जा रहा है, हाउ मैनी टेल आर टू बी टोल्ड बाई ईच पिलग्रिम, हर एक तीर्थ यात्री के द्वारा कितनी कहानियाँ सुनाने वाले थे। ठीक है, टू स्टोरी सुनानी थी सभी को, थ्री स्टोरी सुनानी थी, फोर स्टोरी सुनानी थी, या फिर केवल एक स्टोरी सुनानी थी, सभी लोग बताइएगा। चलिए, सौम्या मिश्रा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मानवी फोर आ रहा है, मोहिनी फोर आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं। ओके गुड, ठीक है ना। हर एक पिलग्रिम को कितनी कहानियाँ सुनानी थी, 2+2 यानी कि दो जाते हुए और दो आते हुए कहानियाँ सुनानी थी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गुड, सुरेंद्र, राकेश, राहुल, वेरी गुड, हेमंती फोर, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने लास्ट डे पूछा था, एक सेकंड बच्चों, हेलो, डिजायर है, ठीक है देख लेंगे, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आधे घंटे बाद बात करूँगा। ठीक है, कितने लाख कितने तक की बन जाएगी, ठीक 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 है ठीक है, ओके ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11th हमने लास्ट डे कराया था, मतलब कल भी कराया था, और आई थिंक कि सभी लोगों ने कल वाली क्लास देख ली होगी। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोएट्री और लव स्टोरी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए कल भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। मैं जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को रिपीटेशन में ले जाता हूँ। देखिए, अच्छा ये बताइए ट्रेजिडी क्या होती है, ट्रेजिडी का कंस्ट्रक्शन होता क्या है। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा दिस इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड यू नो दैट दिस इज अ प्योर ट्रेजिडी। ये क्या है ट्रॉयलस, ये क्या है, ये आपका एक प्योर ट्रेजिडी है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ प्योर ट्रेजिडी है। बट यहाँ पर दिया है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे दिस इज द वर्क फ्रॉम चौसर, ये मेडिएवल रोमांस है। ठीक है ना, क्या है ये मेडिएवल रोमांस है, और ये किसमें है, पोएटिक फॉर्म में, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ये पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम वर्ष रोमांस बोलते हैं, समझ लेना इसको क्या बोलते हैं, वर्ष रोमांस हम इसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रोज में नहीं है, दूसरी चीज़ कि ये वर्ष में लिखा हुआ है, तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो कथानक लिखा गया है वो ट्रॉय की जो हिस्ट्री है, जहाँ पर बैटल हुआ था, उस बैटल फील्ड से अलग जाकर एक लव स्टोरी दिखाई है। हालांकि ये ट्रेजिक लव स्टोरी है, बट यू हैव टू बी कैटेगराइज दिस एज अ लव स्टोरी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है देन डेफिनेटली आपको जो आंसर देना है वो लव स्टोरी देना है। यहाँ पर ट्रेजिडी दिया गया, इसमें ट्रेजिडी का जेनर नहीं है कोई भी, याद रखिएगा ट्रेजिक स्टोरी है बट ये ट्रेजिडी इसका जेनर नहीं है। ठीक है, याद रखिए, अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन हो जाता मीडिएवल ट्रेजिडी के नाम से देन हम सपोज कर भी सकते, लेकिन अगर हमारे सामने लव स्टोरी का ऑप्शन है तो हमें ये ऑप्शन देना है 100%। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आ गया हूँ, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2nd दिया गया है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, सबसे पहली बार बाइबल को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। जॉन गाबर ने, विलियम डूनबार, जॉन विकलिफ और जॉन स्केल्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कन्फ्यूजिंग होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, जॉन विकलिफ, वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जॉन विकलिफ। ओके गुड गुड, ठीक है सभी लोगों का, ठीक है वेरी गुड। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है जॉन विकलिफ, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी जॉन विकलिफ। जॉन विकलिफ ने सबसे पहली बार ट्रांसलेशन किया था बाइबल का इंग्लिश में। ओके चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया है, नेम द स्टोरी दैट चौसर टोल्ड ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, यानी यात्रा के दौरान चौसर ने कौन सी स्टोरी सुनाई थी। बात हो रही है कैंटरबरी टेल्स में जो स्टोरी चौसर ने लिखी है उनमें चौसर यानी कि नरेटर कौन सी स्टोरी सुनाता है। टेल्स ऑफ मेलिबिन्स, यहाँ पर मेलिबेंस भी हो जाता है, ठीक है मेलिबीज भी हो जाता है, इसको अलग अलग नामों से देखा हुआ आप पा सकते हैं, तो मेलिबी कर लीजिए।
नेम द स्टोरी दैट चौसर टोल्ड ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज। सुमिति ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, प्रीति यादव 13 का बी आ रहा है, सुरेंद्र कुमार 13 का ही आ रहा है। ओके गुड, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, या तो आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी, ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ आप सभी को। अब क्लासों का जो नंबर है वो ज़्यादा हो रहा है, अब एक दिन में कम से कम 3 क्लासें हुआ करेंगी, आपको नोटिस करना है कि कोई क्लास मिस तो नहीं हो गई है। ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था और मैंने बताया था आपको कि टेल ऑफ मेलविज चौसर के द्वारा सुनाई गई एक स्टोरी है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, इस स्टोरी को उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब रुकावट के तौर पे सुनाया था, ठीक है, जब जो उनका होस्ट था हैरी बेली ने चौसर से ये कहा था जब वो स्टोरी सुना रहे थे, किसकी स्टोरी ऑफ टोपाज की, ठीक है सर, टोपाज की स्टोरी वो सुना रहे थे और वो स्टोरी किस में थी, वर्स फॉर्म में स्टोरी थी वो। बट इसके बारे में जब बेली ने ये कहा, हैरी बेली ने ये कहा कि योर वर्स इज नॉट वर्थ फॉर टर्ड, यानी तुम्हारी जो वर्स है, तुम्हारा जो पद्य है, योर डर्टी वर्स इज नॉट वर्थ टर्ड, वो सुनने के लायक नहीं है। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको कहानी को रोकता हूँ, मैं आपको एक प्रोज फॉर्म में कहानी सुनाता हूँ। तब उन्होंने ये कहानी सुनाई थी, याद रखिएगा, और ये जो स्टोरी है ये प्रोज में लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है द ऑथराइज बाइबल और द किंग जेम्स बाइबल और द ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल वाज डेडिकेट टू, किसको डेडिकेट किया गया है, जीसस क्राइस्ट को, चार्ल्स फर्स्ट को, चार्ल्स सेकंड को, या जेम्स फर्स्ट को, चलिए सभी लोग बताइएगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट क्लियर हो गया। चलिए सौम्या मिश्रा, तोमन डिशु, ऑप्शन नंबर डी, मोहिनी, इस्लाम सर, सुनीता देवी, विधि शिवरे, जेम्स, वेरी गुड, जेम्स फर्स्ट को, वेरी गुड, जेम्स फर्स्ट को, ठीक है ना, जेम्स फर्स्ट को हम जेम्स सिक्स भी बोलते हैं, ठीक है याद रखिएगा, जेम्स फर्स्ट को हम जेम्स सिक्स के नाम से भी जानते हैं, अगर आ जाए तब भी आप इसको सही कर दीजिएगा। चलिए जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे सामने 15, द पिलग्रिम्स आर गोइंग टू विजिट द टॉम्ब ऑफ, जो पिलग्रिम थे, जो तीर्थयात्री थे, वो किसकी टॉम्ब पर जा रहे थे, थॉमस एक्वाइंस की टॉम्ब पर हैं, या सेंट मैरी पर हैं, सेंट जॉन हैं, थॉमस बकेट हैं, किसकी टॉम्ब पर वो जा रहे थे दर्शन करने के लिए। चलिए मोहिनी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, सुमिति, ओके सर ठीक है, तोमन निशु, एम के गौतम सर, टॉम्स, वेरी गुड गुड, थॉमस बकेट, वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर है थॉमस बकेट, ठीक है थॉमस बकेट की टॉम्ब पर वो जा रहे थे। अच्छा कभी कभी थॉमस के बाद में ए और लगा होता है, थॉमस ए बकेट भी हो जाता है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, थॉमस बकेट या थॉमस ए बकेट दोनों ही एक ही सेंट के नेम है। ओके चलिए जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बकेट आ रहा है बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियर इज द टॉम्ब ऑफ सेंट सिचुएटेड, बात हो रही है थॉमस ए बकेट की, थॉमस ए बकेट की जो टॉम्ब थी वो कहाँ पर है, ठीक है वार्विकशायर में है, सेफ्ट्सबरी में है, कैंटरबरी में है, या स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, कहाँ पर है इनकी बताइए। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने गए थे, थॉमस ए बकेट, सौम्या मिश्रा सी, आदित्य ऑप्शन नंबर सी, यार वेरी गुड, ठीक है देखिए जैसा कि टाइटल है कैंटरबरी टेल्स, तो कैंटरबरी टेल्स उन्होंने जो टाइटल दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि वो कैंटरबरी जा रहे थे, जहाँ पर कौन थे, थॉमस ए बकेट का टॉम था, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर दिया है इन विच पोएम डिड चौसर यूज हीरोइक कॉपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जोफ्रे चौसर ने सबसे पहली बार किस पोएम में हीरोइक कॉपलेट का इस्तेमाल किया था। आपको अगर हम ये कहें कि सबसे पहली बार हीरोइक कॉपलेट का यूज किसने किया था, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, जोफ्रे चौसर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपके ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने भी उसका यूज किया और उसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया था, बट इनिशियली जो यूज किया गया था वो जोफ्रे चौसर के द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस वर्क में उन्होंने किया था, चलिए आर्ट फोर यू ऑप्शन नंबर सी, द लीजेंड ऑफ गुड वूमेन, वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर आया द लीजेंड ऑफ गुड वूमेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, द लीजेंड ऑफ गुड वूमेन, द फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज द हीरोइक कॉपलेट इन द लीजेंड ऑफ गुड वूमेन
उसके बाद में उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में भी हीरोइक कॉपलेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो नो डाउट इनके जो दोनों वर्क हैं वो हीरोइक कॉपलेट में लिखे गए थे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी लीजेंट्स आर देयर इन द लीजेंट ऑफ गुड वुमेन्स। द लीजेंट ऑफ गुड वुमन में कितने लीजेंट्स यानी कि कितने मिथ्स हैं जो वुमेन की हैं, बताइएगा। हाउ मैनी लीजेंट्स आर देयर इन द लीजेंट ऑफ गुड वुमेन रिटन बाई जॉफ्रे चौसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी लोग बताएंगे। लास्ट डे क्वेश्चन कराया था हमने ये। चलिए ओके, नाइन लीजेंट, वेरी गुड। बट फर्स्ट सी वाला है, फर्स्ट सी वाला कहाँ पर है? फर्स्ट सी वाला कौन सा फर्स्ट सी वाला है? पता नहीं कहाँ थे। चलिए, दीपका सिंह नाइन, वेरी गुड। कितने थे? नाइन लीजेंट थे, नाइन लीजेंट, ठीक है, नोट कर लेना। लीजेंट को हम मिथ्स भी बोलते हैं। ये नाइन लीजेंट थे कौन? दीज नाइन लीजेंट्स वर द विक्टिम्स दैट वर सम हाउ हर्टेड बाई मेन्स। ये वो मिथ्स थे, ये वो भी लीजेंट्स थे विमन के, जिनको किसी न किसी तरीके से पुरुषों के द्वारा हर्ट किया गया था। ओके, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर दिया गया है, हाउ मैनी टेल्स इन ऑल वर रिटन बाई चौसर। जॉफ्रे चौसर के द्वारा टोटल कितनी टेल्स लिखी गई हैं? 32, 24, 64 और 128। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए सभी लोग बताएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए और करा रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग 7 महीने पहले इसकी एक सॉल्व पीडीएफ डाली थी सभी लोगों को, तो उसमें एक दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत जगह पर टिक हो गए थे, तो आई होप कि किसी का गलत ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको एक बार दोबारा करा दे रहा हूँ जिससे बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हो जाए, ठीक है। जो प्रिंट कराया था लास्ट डे, मतलब लास्ट मंथ में, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत हो गया था। मानवी सिंह 24, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ रहा है 24, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 24, चौसर रोड 24 टेल्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, द हंड्रेड ईयर्स वॉर बिगेन इन। 100 साल वाला जो युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? 1447, 1337, 1373 और 1066। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। ओके ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोगों का आ रहा है, 1337, वेरी गुड। जिन लोगों का आ रहा है 1337, बिल्कुल ठीक है। 24 मई, ठीक है, 24 मई को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। एंड एंडेड इन 1453, 1453 में इसका समाप्त हो गया था ये, ठीक है। चलिए ओके, अंशुल खान 37 आ रहा, वेरी गुड। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 20, और क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है, आर्मर विंसेंट ओमनियोल, ठीक है ना, आर्मर विंसेंट ओमनियोल इन चौसर्स प्रोलॉग विच मीन्स। इस फ्रेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन टू से आर्मर विंसेंट ओमनियोल, ठीक है, चलिए बताइएगा। लव इज ब्लाइंड यानी कि प्यार अंधा होता है, लव इज फैटल, लव बहुत खतरनाक होता है, लव कॉन्कर्स नथिंग, प्यार से कभी कोई जीत नहीं सकता, मतलब प्यार किसी को जीत नहीं सकता, एंड लव कॉन्कर्स ऑल, और प्यार सब पर जीत हासिल कर लेता है। सो द राइट वन, कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा? आशा, प्रतिमा, मानवी, इस्लाम सर, मालती वर्मा, विधि, दीपिका सिंह, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सब पर जीत हासिल कर लेता है, ठीक है ना। जो फ्रेज आपके सामने दी गई है, आर्मर विंसेंट ओमनियोल इन चौसर्स प्रोलॉग मीन टू से लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सब पर विजय हासिल कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने 21, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम फोर्थ विद द स्टोरी। कहने का मतलब, इनमें से जो नीचे करेक्टर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा करेक्टर है, कौन सा पर्सन है, कौन सा कैंडिडेट है जो स्टोरी सुनाता है गैरिसिल्डा की, ठीक है, अंडर द टेस्ट इम्पोज बाई हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड के परीक्षणों के अंतर्गत, मतलब टेस्ट के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा विक्षिप्त रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। उसका हस्बैंड उसे परीक्षण करता रहता है, उसकी चेकिंग करता रहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा धैर्यपूर्वक बनी रहती है। ये स्टोरी कौन सुनाता है?
तो अमर निशु ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अमर निशु का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड कहानी सुनाता है गैलरी शाह की, जिसमें क्या करता है उसका हस्बैंड उसे हमेशा चेक करता रहता है। ओके चलिए, आशा मिश्रा 21 ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल्स बुक। वर्जिल की एक बुक है एनीड, ठीक है ना, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, एनीड नाम की जो वर्जिल की बुक है उस बुक को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था सबसे पहली बार, फर्स्ट ट्रांसलेटर, ठीक है। जॉन ड्राइडन, चौसर, डगलस और विलियम डनबार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। ज्योति सिंह ऑप्शन नंबर बी है, आर्ट फोर यू ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी लोगों का। देखिए जो वर्जिल का ट्रांसलेशन, वर्जिल की बुक है एनीड, उसका जो फर्स्ट टाइम पे ट्रांसलेशन किया था वो किया था डगलस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है याद रखिएगा। ओके ओके ठीक है, स्कॉट्समैन गेविन डगलस, वेरी गुड। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर दिया गया है, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ। सो आई विल चेक आउट हाउ मैनी कैंडिडेट्स गिव द राइट रिस्पॉन्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग करेक्ट देते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कैंटरबरी टेल्स को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा और स्पेशली ट्रीट दिया होगा उसको, ठीक है। तो बताइएगा हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ, इनटू से नरेटर के साथ टोटल कितने पिलग्रिमेज हो जाते हैं। 29 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, अच्छा कैसे हो जाएंगे एक बात बताइए। उसकी जो प्रोलॉग दी गई है उसी में उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देयर सीम टू कम अराइज 29 एंड मी, 29 तो अलग थे उसके बारे में स्पष्टली कहा है, और उसने कहा है कि मी, यानी कि मी एंड 29 टोटल ऑफ 30 पिलग्रिमेज आपके ही हो जाते हैं, क्लियर है ना। उसके बाद में अगर बात आती है केवल पिलग्रिमेज की, केवल उनकी जो पोएट नहीं है उनको छोड़कर, देन आंसर विल बी 29, लेकिन अगर पोएट को शामिल कर लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 30। अब इसमें एक और कैंडिडेट बचा, वो कैंडिडेट कौन था, वो था होस्ट ऑफ द टेबार्ड इन, हैरी बेली। अगर हम हैरी बेली को भी शामिल कर लेते हैं देन आंसर विल बी 31। इसके बाद में अभी आपकी कहानी नहीं रुकती है, एट द मिड वे ऑफ द जर्नी दे इंक्लूड वन मोर पर्सन, उस पर्सन का नाम क्या था मुझे कौन बताएगा, बताइए सभी लोग बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मिडवे में उस कैरेक्टर को वो हटाते हैं उसका नाम क्या होता है, मिडवे में उस कैरेक्टर को हटाते हैं मतलब उस पिलग्रिम उस यात्री को हटाते हैं अपने साथ ले चलते हैं उसका नाम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32, जी हाँ 32 लास्ट है, बट 32 नंबर का जो कैंडिडेट है उसका नाम क्या होता है, सभी लोग बताएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैनन्स यूमैन, ठीक है ना, कैनन्स यूमैन नाम था उसका, कैनन का था, यूमैन उसका नेम था, याद रखेंगे इसको। दिस वाज द लास्ट पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द पिलग्रिम्स, यात्रियों में शामिल होने वाला ये लास्ट कैंडिडेट था। ओके, टेबार्ड इनका जो हैरी वैली था वो 31 नंबर का कैंडिडेट था, ठीक है, पोएट 30 नंबर का कैंडिडेट था, 29 पिलग्रिम्स ऑलरेडी थे, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, चौसर डेडिकेटेड हिज ट्रॉयलस, चौसर ने अपना जो ट्रॉयलस है वो किसको डेडिकेट किया है, ट्रॉयलस, जॉन गावर को, विलियम लैंगलेट को, जॉन विक्लिप को और किंग एडवर्ड सेकेंड को, किसको डेडिकेट किया है, 24 बताइएगा मुझे। चलिए जी हाँ यूमैन, ओके इस्लाम सर, ओके ओके सुरेंद्र कुमार 24 का डी, आदित्य शंकर जॉन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जिन लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए जॉन गावर, वेरी गुड बिल्कुल ठीक है। ओके दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधि सिवरे ऑप्शन नंबर भी आ रहा है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 25 नंबर का क्वेश्चन है, हु टेल्स द लास्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स,
कैंटरबरी टेल्स में सबसे आखिरी कहानी कौन सुनाता है? ठीक है, द प्रायर सुनाता है, द नन सुनाती है, द पार्सन सुनाता है, या फिर मॉन्क सुनाता है, कौन सुनाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे। आदित्य शंकर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, विधि शिवरी ऑप्शन नंबर, निक्की द नन आ रहा है। जो लास्ट टेल सुनाई जाती है वो किसकी होती है? पार्सन की होती है। ठीक है, पार्सन डिस्क्राइब द लास्ट टेल। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मोहिनी तोमर निशु द पार्सन, वेरी गुड, जिनका आंसर आ रहा है पार्सन, बिल्कुल ठीक है प्रतिमा। ओके चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे सामने 26 नंबर का क्वेश्चन है, लोलार्ड्स, एक टर्म आया है लोलार्ड्स। सो व्हाट डू यू मीन टू से, लोलार्ड कौन होते हैं? लोलार्ड आर द फॉलोअर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेस्टेंट एंड रिफॉर्मेशन लीडर, यानी कि ये कौन है, ये प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन लीडर्स के कौन है, फॉलोवर हैं, उनको फॉलो करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले लोग कहे जाते हैं लोलार्ड्स। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन और रिफॉर्मर लीडर कौन था? जॉन विक्लिफ था, किंग एडवर्ड था, मार्टिन लूथर किंग था, या फिर चौसर था, कौन सा लीडर था इनका, लोलार्ड्स का? इस्लाम सर, प्रतिमा, विक्लिफ, वेरी गुड, जॉन विक्लिफ, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जॉन विक्लिफ वाज द लीडर ऑफ द लोलार्ड्स, एंड हु वर द लोलार्ड्स, लोलार्ड्स वर द प्रोटेस्टेंट एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, जो फॉलोवर्स थे इनके वो लोलार्ड्स कहे जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एंड 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज, यानी कि कैंटरबरी टेल्स की ही अभी बात हो रही है। कैंटरबरी टेल्स में कौन सी टेल ऐसी हैं, या कौन सी टेल ऐसी है जो कि प्रोज में लिखी गई है? एक टेल के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर दी गई है द पार्सन्स टेल, द टेल ऑफ मेलिबस, और बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। सो कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? इस्लाम सर, सी आ रहा है, 8-4 सी आ रहा है, तोमन निशु द पार्सन, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, आजाद सिंह, वेरी गुड। देखिए द पार्सन टेल ये भी आपका प्रोज में है, ठीक है। द टेल ऑफ मेलिबस जो कि चौसर ने सुनाया है, ये भी आपका प्रोज में है, याद रखेंगे। ये चौसर के द्वारा सुनाया हुआ, यानी कि पोइट के द्वारा सुनाया हुआ ये टेल है, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, वेरी गुड, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 28, क्वेश्चन नंबर 28 पर दिया गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग सेड अबाउट चौसर्स प्रोलोग, चौसर की प्रोलोग के बारे में किसने कहा है? चौसर की प्रोलोग का मतलब कैंटरबरी टेल्स की जो प्रोलोग है, प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स है, उसके बारे में किसने कहा है कि हियर इज इंडीड गॉड्स प्लेनेटी, काफ़ी इंपोर्टेंट है। चलिए हियर इज इंडीड इज गॉड्स प्लेनेटी, ड्राइडन ने कहा है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है, और डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। प्रतिमा त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 28 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, वेरी गुड, जॉन ड्राइडन ने कहा है हियर इज इंडीड इज गॉड्स प्लेनेटी। ओके गुड, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया है, विच ऑफ द मंथ इन विच ग्रुप ऑफ पिलग्रिमेज यूज टू मार्च टुवार्ड्स द कैंटरबरी, ये लोग जो कैंटरबरी के पिलग्रिमेज पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, वो किस मंथ में निकलते हैं बताइएगा? जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, और जून में, कौन सा महीना होता है वो? ओके ओके, रंजीत सिंह, प्रणाम गुरुजी, मोहिनी, आदित्य शंकर, विमल कुमार, तोमर निशु, अप्रैल आ रहा सभी लोगों का, वेरी गुड। वो मंथ कौन सा था? अप्रैल मंथ होता है। ओके चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है हु इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन चौसर एंड एडमंड स्पेंसर, चौसर और एडमंड स्पेंसर के बीच का जो लिंक है, जो एक दूसरे के एजेस को जोड़ता है, वो कौन सा राइटर है? हेनरी अवार्ड है, थॉमस शेक्सपियर है, रोजर एस चम है, या सर थॉमस बेट है? इनमें से कौन सा राइटर है जो दोनों की एजेस को कनेक्ट कर देता है, दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको प्लस कर देता है? विधि ऑप्शन नंबर शेक्सपियर आ रहा है, राहुल, 24 अप्रैल, वेरी गुड। विधि शिवरी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे सभी लोग, जिन लोगों का आंसर आया थॉमस शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके ठीक है, ठीक है, सभी का ठीक है। चलिए, थॉमस शेक्सपियर इज कंसीडर्ड द लिंक और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर,
चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे सामने 31, और क्वेश्चन नंबर 31 पर दिया गया है द वर्क्स ऑफ थॉमस वेट एंड सुर्रे। थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सुर्रे वर पब्लिश्ड इन टोटल्स मिशलेनी। टोटल्स मिशलेनी नाम का ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। बुक किस ईयर में पब्लिश किए हैं पूछा गया है टाइम, ठीक है। यानी थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सुर्रे के जो कलेक्शन है, पोइट्री का जो कलेक्शन है, पोइम्स जो कलेक्ट की गई थी वो टोटल्स मिशलेनी में कलेक्ट की गई थी, ठीक है। उसको कब पब्लिश किया गया था, 1553 में, 1557 में, 1563 में, 1568 में। तो यहाँ पर ये तो हो गया ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ जा सकता था कि थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सुर्रे, ठीक है ना, इनके जो वर्क हैं, इनकी जो पोइट्री है वो किस कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। तो आपका आंसर रहना चाहिए था मिसलेनी, यानी टोटल्स मिसलेनी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी बदला जा सकता है। 1557 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का, जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है 1557, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे सामने 32। क्वेश्चन नंबर 32 पर दिया है द लाइसेंसिंग एक्ट। द लाइसेंसिंग एक्ट फॉर क्लोजिंग ऑल थिएटर्स, सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ थिएटर्स थे उनमें से, जैसे ड्रूरी लेन और कन्वेंट गार्डन, ये थिएटर थे, इनको बंद नहीं किया गया था, ठीक है। बताइए किस ईयर में ऐसा हुआ था, 1734 में, 1735 में, 1736 में और 1737 में। द लाइसेंसिंग एक्ट वाज पास्ड, द लाइसेंसिंग एक्ट वाज पास्ड फॉर क्लोजिंग ऑल द थिएटर्स, केवल दो थिएटर को छोड़ के बाकी सभी थिएटर्स को बंद करने के लिए एक्ट को पास कराया गया था, वो कौन सी ईयर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जिन लोगों का ऑप्शन है डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, 1737 राइट आंसर है आपका, 1737 में, 1737 में, ठीक है ना, 1737 में, वेरी गुड गुड। राहुल 1737, आशा, हेमंती ऑप्शन नंबर डी, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर दिया गया द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस, द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस, इसका नाम क्या था। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है आपके सामने, एक क्वेश्चन तो ये हो गया द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस नेम क्या है उसका, तो उसका नेम है द थिएटर, ठीक है। रेगुलर है ये, परमानेंट थिएटर है, पहला फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश प्ले हाउस वाज द थिएटर। अब यहाँ पर पूछा गया कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1574 में, 1575 में, 1576 में और 1577 में, किस ईयर में इसको फाउंड यानी कि स्थापित किया गया था। चलिए एम के गौतम 1576 आ रहा है, आर एन श्रीवास्तव 33 का ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। चलिए ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 33, वेरी गुड। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस द थिएटर वाज एलिजाबेथन, परमानेंट एलिजाबेथन प्ले हाउस, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट प्ले हाउस था ये, एंड इट वाज इस्टाब्लिश्ड इन 1576। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ओके, एलिजाबेथन एज का ये थिएटर है और एक परमानेंट प्ले हाउस है, पहला रेगुलर परमानेंट प्ले हाउस था ये, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया आपके सामने 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। गौरवोडक नाम तो सुना होगा इसका, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता हो और वो इसका नेम नहीं जानता हो। गौरवोडक द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश वाज रिटन बाय, बताइएगा, निकोलस उदाल, जॉन हेवुड, थॉमस नॉर्टन और शेक्सपियर एंड नॉर्टन, वेरी गुड। थॉमस शेक्सपियर एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया है द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश गौरवोडक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन बन जाता है, विच वर्क इज कंसीडर्ड द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश, इंग्लिश की सबसे पहली रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है, कौन बताएगा मुझे, कन्फ्यूज नहीं होना है, अपने मतलब से अपने हिसाब से बताना है। द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताएंगे, किसी का आंसर नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी।
गौरबोधक नहीं है, गौरबोधक नहीं है, डोंट वरी। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। गौरबोधक इज नॉट द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजिडी, दिस इज अ जनरल ट्रेजिडी इन इंग्लिश। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और ज़रूर दोगे। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, ठीक है? आप लोग कमेंट में आंसर दिया करें जिससे कि बाकी के लोगों को पता पड़ जाए करें, ठीक है? थोड़ा सा सर्च करना कि फर्स्ट रिवेंज ट्रेजिडी कौन सी है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो नो नो, जी ऑफ माल्टा नहीं है, जी ऑफ माल्टा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, वेन वर थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में थिएटर्स को कब क्लोज कर दिया गया था? 1623 में, 1642 में, 1616 में और 1650 में। स्पेन से मैं बता देता हूँ, उसका नाम स्पेन से समझ लीजिए। चलिए मैंने हल्की सी हिंट दे दी आपको, स्पेन से, ठीक है? अब आप समझ लीजिए कौन सी है। वेन वर थिएटर्स क्लोज इन इंग्लैंड, भाई थॉमस कीट की है, मैंने राइटर का नाम भी बता दिया, थॉमस कीट की है। लो अब इससे ज्यादा हिंट क्या होगी बताइए। आदित्य शंकर, चलिए स्पेनिश ट्रेजडी, वेरी गुड, ठीक है ना? स्पेनिश ट्रेजडी इज जस्ट रिकोगनाइज एज द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजडी इन इंग्लिश, ओके, ठीक है ना? याद हो गया, अब इसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो वेन वर थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड, थिएटर्स इंग्लैंड में कब बंद किए गए थे? ओके, वेरी गुड, सभी का ठीक है। स्पेनिश ट्रेजडी याद रखिएगा, ठीक है ना? देखिए ऐसी चीज़ें जो हम बातों बातों में बोलते हैं वो कभी नहीं भूलते, और उसका रट्टा मारते हैं तो भूल जाते हैं, तो अभी इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे। जी हाँ, जी हाँ, ओके गुड। तो क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग द आफ्टर द सिविल वार ऑफ इंग्लैंड द थिएटर्स वर क्लोज्ड बाई द प्यूरिटन्स, ओके? सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1642, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 35 का जिन लोगों का आंसर है 1642, 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अगर एक्यूरेट डेट की बात कर लें तो एक्यूरेट डेट थी उसकी 2 सितंबर, ठीक है? 2 सितंबर। एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि बंद तो कर दिया गया था 1642 को, रीओपन कब किया गया था बताइए? वापस दोबारा से उनको ओपन कब किया गया था? व्हाट वाज द ईयर व्हेन दे वर रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड? चलिए 1642 तो क्लोजिंग डेट हो गई, वेरी गुड राहुल यादव, मानवी सिंह, 1642 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? ओके ओके, चलिए सभी लोग बताएं, काफी इंपॉर्टेंट है। विद द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची इन इंग्लिश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्हेन मोनार्च रिस्टोर्ड इन 1660, वेरी गुड। चार्ल्स सेकेंड जब आया था, चार्ल्स सेकेंड जब आया था, ठीक है ना, मोनार्ची सिस्टम दोबारा से इंग्लैंड में रिस्टोर किया गया था 1660 में, 1660 में, ठीक है? उस समय पर थिएटर्स को दोबारा से चलाने की परमिशन दे दी गई थी, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, व्हेन डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टेक प्लेस, इंग्लैंड में जो बहुत बड़ी आग लगी थी वो किस ईयर में लगी थी? 1610 में, 1606 में, 1640 में और 1666 में बताइएगा। चलिए ओके ओके ठीक है, आयांश स्टडी पॉइंट, डेली क्लास का जो टाइम है आयांश वो 9 बजे का है, ठीक है? 9 PM इन द नाइट, ठीक है, इन द इवनिंग बोल सकते हैं। और ये जो आपकी सीरीज चलेगी इंग्लिश लिटरेचर की, ये सीरीज आपकी जो चला करेगी ये 4 बजे चला करेगी, ठीक है? बट समहाउ अगर मैं बिजी हो जाता हूँ तो 4 बजे वाली क्लास आपकी नहीं हो पाया करेगी, लेकिन 9 बजे वाली जो रात में 9 बजे क्लास होती है वो क्लास आपकी डेली हुआ करेगी, ठीक है? ये क्लास आपकी डेली होती है, लेकिन ये क्लास आपकी समहाउ कभी कभी पोस्टपोन हो सकती है, तो 9 बजे वाली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। व्हेन डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टेक प्लेस, क्वेश्चन नंबर 36 बताइएगा। ओके 1610, वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1610, व्हेन डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, क्वेश्चन नंबर 1610 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1666,
1666 में आग लगी थी इंग्लैंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा मंजू शर्मा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। जिलनों का ऑप्शन नंबर डी 1660 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 37, क्वेश्चन नंबर 37 पर दिया गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर, यानी कि हैं या हैं इंग्लिश चौसरियंस, यानी कि चौसर की एज से संबंधित कौन कौन से राइटर हैं, थॉमस ऑकलेव हैं, अलेक्जेंडर वार्कले हैं, जॉन लीगेट हैं, या फिर ये सभी चौसरियन हैं, बताइएगा। और जिन लोगों ने क्लासें पहली बार देखी हैं या काफ़ी दिनों से देख रहे हैं उनको मैं एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूं कि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तब तक आप क्या करेंगे, जितनी भी क्लासें हो गई हैं और द क्लासेस दैट आर इंक्लूडेड इन द प्लेलिस्ट फॉर एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और DSSSP की जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, आप अभी टाइम है, सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, जिससे कि जब एग्ज़ाम आएगा तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी देखना, अभी ये वीडियो जो कम दिख रही हैं, जब एग्ज़ाम आएगा तो इन वीडियोस को देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो आप लोग जितना हो सके उतनी जल्दी पूरी प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी वॉच कर लीजिए, जिससे इनके नोट्स भी बन जाएंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, थॉमस ऑकले भी चौसरियन है, अलेक्जेंडर वार्कले और जॉन लीगेट, ऑल थ्री, तीनों ही आपके कैसे हैं, चौसरियन है, ठीक है, इंग्लिश चौसरियन, याद रखेंगे। चलिए ज्योति प्रोवाइड प्लेलिस्ट, आप चैनल पर जाइए, चैनल के लोगों पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, होम पेज आ जाता है, उसी में आपको बहुत सारे यहाँ पर मेन्यू दिख जाते हैं चैनल पर जाके, जिसमें आपको एक वीडियो का होता है, एक प्लेलिस्ट का होता है, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, नहीं तो शाम को जो क्लास होगी उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी सभी जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस डिस्क्रिप्शन पर जाके उन सभी क्लासेस पर पहुँच सकते हो। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, शाम को जो क्लास होगी उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सभी प्लेलिस्ट के, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एंड एन इंग्लिश चौसरियन, एंड उसमें गलत हो गया है, एंड को हटा देना, केवल एन रखना है। कहने का मतलब ये है, हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा राइटर आपका चौसर वाली एज का था, मतलब 14th century का था, इनमें से ये पूछा जा रहा है कौन सा राइटर आपका इंग्लिश चौसरियन नहीं है, ठीक है। तो रॉबर्ट हेनरीसन, विलियम डूनबार और स्टीफन हॉस, इनमें से कौन सा वाला आंसर ऐसा है जो करेक्ट है, जो कि चौसरियन नहीं कहा जाएगा, बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पूछिए क्यों, ये दिखने में तो बहुत ईजी लग रहे हैं बट ये डिफ़िकल्ट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको राइटर्स के बारे में समझना होगा। अब राइटर्स तो इतने सारे हैं, आप कैसे काउंट करोगे, बट ये एक हकीकत है कि इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और यही क्वेश्चन भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके कम नंबर लाने का कारण बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए मंजू शर्मा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 का 38 का जिलों का आंसर आ रहा है बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, 38 का जिलों का आंसर आ रहा है बोथ ए एंड बी, यानी रॉबर्ट हेनरीसन, ठीक है, और विलियम डूनबार, ये आपके चौसरियन नहीं है, स्टीफन हॉज आपके चौसरियन है, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे दिया है, विच वर्क ऑफ स्कॉटिश चौसरियन इमिटेट्स चौसर्स हाउस ऑफ फेम, यानी स्कॉटिश चौसरियन जो हैं, ठीक है, स्कॉटिश चौसरियन आर द ग्रुप ऑफ सम राइटर्स दैट इमिटेट्स द चौसर्स वर्क, उस वर्क का नाम है हाउस ऑफ फेम, तो हाउस ऑफ फेम को किसने इमिटेट किया है, डगलस द प्लेस ऑफ ऑनर, ड्यूनबार द थिशल एंड रोजेस एंड हेनरी सन्स टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आई नो दैट, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो डगलस ने द प्लेस ऑफ ऑनर हाउस ऑफ फेम को इमिटेट करके लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके ज्योति, आई एम न्यू एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर TGT झारखंड, आई शो योर थ्योरी क्लासेज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग, अभी चलेंगी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, हमें DSSSP को भी कवर करना है, झारखंड को भी कवर करना है, LT ग्रेड को भी कवर करना है, सो ऑल द क्लासेज आर नॉट रेगुलरली रनिंग, ठीक है, अब सभी को देखना है, तो कभी झारखंड वाली क्लास हो जाती है, कभी DSSSP की हो जाती है, कभी TGT की हो जाती है, तो रेगुलर क्लासें अगर लेनी है तो आप हमारी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो,
अदरवाइज आपको 1 डे 2 डेज छोड़कर आपके प्रिस्क्राइब कोर्सेज की क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। कभी DSSP की हो जाती है, कभी LT ग्रेड, कभी TGT, ठीक है, कभी UPTGT, ऐसी क्लासें हमारी चलती रहती हैं। बट ऑल द क्लासेज आर वेरी बेनिफिशियली फॉर ऑल एग्जाम्स, क्योंकि लगभग लगभग सभी क्लासेज का जो सिलेबस है वो एक जैसा है, और इंग्लिश ग्रामर तो सब में लगभग लगभग सेम होती है, केवल लेटर राइटिंग को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोलता हूँ। विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन, विलियम कैक्सटन ने जो प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की थी इंग्लैंड में, वो कब की थी? 1475 में, 1476 में, 1477 में और 1478 में, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज द बेस फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जिन लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 1476, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके सुरेंद्र कुमार, 1476, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, विलियम कैक्सटन ने जब प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर लगाई थी, उसके बाद में ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है लिटरेचर के तौर पे। कैंटरबरी टेल्स का जो प्रिंटिंग एडिशन निकला था, उसके बाद में चौसर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, विच इज़ द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन पोइटिक प्रोज, इंग्लिश की ऐसी कौन सी बुक है, मतलब इंग्लिश में लिखी हुई ऐसी कौन सी बुक है जो पोइटिक प्रोज में है। पोइटिक प्रोज का मतलब तो आप जानते ही हैं, वर्स प्रोज में है, मतलब द फॉर्म दैट कैन नॉट बी एक्टेड बट ओनली टू बी रीड, पोएटिक प्रोज में है, बताइए। कॉन्फेसियो एमेंटीज है, नंस प्रीस्ट टेल है, मोंट डी ऑथर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। अंशुल खान, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 41 काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिमा, ऑप्शन नंबर 41 का ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का जिन लोगों का आंसर है मोंट डी ऑथर, ठीक है, मोंट डी ऑथर, याद रखिएगा, दिस वाज द फर्स्ट इंग्लिश बुक इन पोएटिक प्रोज फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 42, क्वेश्चन नंबर 42 पर दिया गया है, विच वर्क इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रू प्रोलॉग टू रिनेसा, रिनेसा का, रिनेसा की प्रस्तावना किसे माना जाता है, बताइए बताइए, रिनेसा की प्रस्तावना किसे कहा गया है? टोटल्स मिशलेनी, और मूर्स ओटोपिया, एसम्स द स्कूल मास्टर, या इनमें से कोई नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, मोंट डी ऑथर जिन लोगों का है बिल्कुल करेक्ट है। ओके ऋषिपाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विधि शिवरे, मुकुल प्रताप, ओके 42 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा, शबाना बानो ओटोपिया आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का जिन लोगों का आंसर है मोट थॉमस मूर का ओटोपिया, थॉमस मूर का ओटोपिया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर समझिए, प्रोलोग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसका लिखा हुआ पहले वाला हिस्सा, प्रोलोग मीन टू बिगिनिंग, प्रोलोग मीन टू बिगिनिंग, यानी कि उसमें रिनेसा की झलक दिखाई देती है। यहाँ पर जो वर्क दिखाई दे रहे हैं जितने, उनमें हमें रिनेसा की झलक कहाँ दिखाई देती है, तो ओटोपिया जो है उसमें आपको रिनेसा की झलक दिखाई देती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, चौसर रोट द रोमांस ऑफ द रोज, रोमन डेला रोज जिसे बोलते हैं, ठीक है, रोमन डेला रोज, वो किसके इन्फ्लुएंस में लिखा है, ठीक है, डी लॉरिस एंड डी मेनन, दंते एंड बुकाकियो, ब्लैंक एंड डी लॉरिस और ब्लैंक एंड मेनक, बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और चौसर पर ऑलरेडी ही एक बुक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, पता है ना वो कौन सी बुक है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, और उस तरफ दूसरी तरफ बुकाकियो की कौन सी है, फिलास्टेटो है, दोनों के करेक्टर्स में जो रिलेशन है, इंप्रेशन और इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर देखते हैं रोमांस ऑफ द रोजेज, मतलब रोमन डेला रोज पर किसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है चौसर पर, ठीक है। चलिए, आशा मिश्रा 43 का भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, रोमांस ऑफ द रोजेस, क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी लोगों के लिए, सभी लोग बताएंगे, और बस एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, अभी ख़त्म हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, रोमांस ऑफ द रोजेस, रोमन डेला रोज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डी लॉरिस एंड डी मेन्यून, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
बुकाकियो का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके किस पर है, क्रेसिडा पर, ठीक है ना, और इसमें और कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की अगर बात आती तो बुकाकियो का फ्लेस्ट्रेटो वो इससे लगभग लगभग मिलता जुलता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 44। विच वार, कौन से युद्ध से रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग ट्यूडर रूल इन इंग्लैंड, यानी ट्यूडर डायनेसी है वो किस युद्ध के बाद में, मतलब किस युद्ध का रिजल्ट था, किस युद्ध का परिणाम था कि ट्यूडर डायनेसी पावर में आ गई थी, ठीक है ना, बताइए। तो द एंग्लो फ्रेंच वार, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, द वार ऑफ रोजेस और द बैटल ऑफ एग्निकोट, इनमें से कौन सा बैटल था जिसके बाद में जो ट्यूडर फैमिली थी वो यानी सत्ता में आ गई थी, बताइएगा। संतोष शर्मा, गुड इवनिंग संतोष, हाउ आर यू, ओके, दिल्ली से हैं, ठीक है। सर ये क्लास बाद में देख सकती हूँ, हाँ बाद में बनी रहेगी, डोंट वरी। आशा, आज़ाद, शबनम, मानवी सिंह, बैटल ऑफ हेस्टिंग, भाई बैटल ऑफ हेस्टिंग क्यों हो जाएगा, बताइए। वार ऑफ रोजेस का नाम नहीं सुना आप लोगों ने, वार ऑफ रोजेस के बाद में ही तो ट्यूडर फैमिली सत्ता में आई थी, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविली, द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविली इज बिलीव्ड टू बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सर्टेन फ्रेंच राइटर नेम्ड एज, बताइएगा। यानी कि एक वर्क है द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविली, इसको सपोज किया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में किसी राइटर के द्वारा। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किस राइटर का है, जॉन ऑफ टेरिविसा है, म्यून है, जीन ऑफ वर्गेन है और डी लॉरिस है। तो आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं आप लोगों के लिए, उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को शायद पढ़ा है शायद नहीं पढ़ा है, आई कांट से, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत ही कम एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं आता है। अगर हम पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी में आता है, DSSSB में आता है, झारखंड टीजीटी में आ जाता है, ठीक है, एलटी ग्रेड में आ जाता है, और इवन देन टीजीटी में भी आ जाता है। तो आई थिंक नन ऑफ द एग्जामिनेशन विच डिस्क्लूड इंग्लिश हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो एक्सक्लूड करता है, ऐसा मुझे कोई एग्जामिनेशन दिखाई नहीं देता। ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन ऑफ बुर्गेन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 46। क्वेश्चन नंबर 46 पे दिया गया है जॉन गाबर, जॉन गाबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ ओल्ड पोएटिक अथॉरिटी इन विलियम शेक्सपियर प्ले, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में, मोस्टली प्लेज में जॉन गाबर को एज अ पोएटिक अथॉरिटी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो प्ले कौन सा है। यहाँ पर जो कुछ प्ले दिए हैं उनमें से एक प्ले है जिसमें जॉन गाबर को पोएटिक फैकल्टी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलिए पेरिकल है, वीनस एंड एडोनिस है, किम्बेलिन है और टीटस एंड्रोनिकस है। तो आई थिंक के आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर के ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसके बारे में नहीं पढ़ा हो, बट दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी न्यू फॉर यू, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी नया है। ओके ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है, जॉन गाबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ ओल्ड पोएटिक अथॉरिटी इन शेक्सपियर प्ले, ये क्वेश्चन नया है या नहीं है जरा बताइए मुझे। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका पेरिकल्स, नोट कर लेना, पेरिकल्स में इसको एज अ पोएटिक अथॉरिटी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वेरी गुड। शबनम बानो का आंसर बिल्कुल ठीक है, पेरिकल्स, गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 47, और क्वेश्चन नंबर 47 पर दिया गया है द स्पेनिश अर्माडा वाज डिफीटेड इन, स्पेनिश अर्माडा को कब डिफीट किया गया था, 1488 में, 1496 में, 1540 में और 1580 में, बताइएगा। अयांस स्टडी पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी आ रहा, मोहिनी 1588 आ रहा, सभी लोग बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया ना, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया। चलिए द स्पेनिश अर्माडा वाज डिफीटेड इन, ओके ओके, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 का जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 1588, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया हमारे सामने,
और क्वेश्चन नंबर 48 पर है द लिटरेरी जेनर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेस्टोरल्स यानी कि जो क्षेत्रीय लोग होते हैं सेफर्ड वगैरह उनके बारे में बात की जाती है, द इकोलॉग। ओके, द इकोलॉग इज एट्रीब्यूटेड टू, इकोलॉग का संबंध किससे है, जॉन स्केल्टन से, अलेक्जेंडर बार्कले से, विलियम ड्यूनवॉर और स्टीवन हॉवन से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, सर मैंने भी सही आंसर दिया है। ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क अंशुल खान का आंसर बिल्कुल ठीक है, राहुल यादव, दीपक कुमार, संध्या कुमारी। और लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, केवल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बस, ठीक है। ओके ओके, संध्या 48 का भी आ रहा है, सुमिति ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। द लिटरेरी जेनर द इकोलॉग इज एट्रीब्यूटेड टू अलेक्जेंडर बार्कले। भाई मैंने साइन भी तो कर दिया, देखो साइन भी तो मैंने लगा दिया, एरो लगा दिया था पहले से, ठीक है, एरो भी लगा दिया था मैंने, हिंट दे दिया था अलेक्जेंडर बार के लिए। ओके नोट कर लेना, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है और 49 क्वेश्चन पे दिया है ला मेले रेगले। आज मैं आपको अजीबो गरीब वर्ड दिखाऊंगा, ठीक है, अजीबो गरीब शब्द लेकर आ जाऊँ, ला मेले रेगले बाई थॉमस ऑकलीव इज अ सटायर। तो ये तो समझ में आ गया होगा क्या है, ये एक ड्रामा है यानी ये एक प्रोज वर्क है, और ये किस पर है यानी कि सटायर है, ये सटायर किस चीज़ पर है, पॉवर्टी पर है, सुपरस्टिशन पर है, फैंटिसिज्म पर है, या फिर मोरलिटी पर है। इन सभी वर्ड्स के मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। चलिए ला मेले रेगले क्या है, हिंट नहीं मिलेगा सर जी, हाँ एग्जाम में हिंट नहीं मिले, तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन ही तो है। अगर आप लोग यहाँ पर इसे कवर कर लोगे तो श्योरिटी के साथ में कहते हैं आपको वहाँ जाकर कोई तकलीफ नहीं होगी। और अभी तो इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि आपके सामने वक्त ही वक्त है, अभी तो ये समझ लीजिए। अगर आप लोग इस टाइम का बहुत अच्छा उपयोग कर लेते हो तो यकीन मानिए आपको ऐसा कोई नहीं है जो जीतने से रोक दे, ठीक है। राहुल यादव ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 49 का जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉवर्टी पर, गरीबी पर व्यंग करता है ये, ठीक है नोट कर लेना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये बताइए, मैं शाम को एक ईडियम फ्रेजेस का कलेक्शन पेश करने वाला हूँ और मैंने एक उसकी डेमो वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाली थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी उसको एक बार देखना और मुझे बताना कि क्या आप लोग उस पर लाइव क्लास चाहते हैं। वैसे तो मैं लाइव आज लेकर आ रहा हूँ शाम को 9 बजे, तो आप लोग सभी प्रेजेंट रहना उस क्लास में, ठीक है। और आज क्योंकि क्लास दिन में हो रही है ये, तो शायद शाम को नोटिफिकेशन नहीं जाए, तो टेलीग्राम चैनल है आर आर अकेडमी फिरोजाबाद, उसे ज्वाइन कर लेना, सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप चैनल पर चले जाना, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। टोटल्स मिसलेनी, जैसा कि मैंने बता दिया टोटल्स मिसलेनी क्या है, फर्स्ट कलेक्शन, फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ पोएटिकल वर्क, ठीक है ना, पोएटिक वर्क का पहला कलेक्शन है जो प्रिंटेड फॉर्म में था। कंटेन द सॉन्ग एंड सोनेट ऑफ, ये किसके सॉन्ग और सोनेट इसमें रहते हैं बताइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हेमंती कुमारी ऑप्शन नंबर, ज्योति सिंह, ओके, थॉमस बैट एंड सूर्य, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ रहा है थॉमस बैट एंड सूर्य, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है याद रखिएगा। इसमें थॉमस बैट के 27 वर्क हैं, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉमस बैट के 27 हैं, ठीक, और सूर्य के कितने हैं वो भी नोट कर लेना, सूर्य के वर्क है इसमें 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आर्ल ऑफ सूर्य के 15 है, और टोटल इसमें जो एक्चुअल वर्क्स की संख्या है वो 54 है, ठीक है याद रखिएगा। निकोलस ग्रीमेल्ड एक और वर्क है, निकोलस ग्रीमेल्ड के जो वर्क हैं वो भी 15 है, और बाकी के जो वर्क हैं टोटल वो ऐसे राइटर्स के हैं जो कि उनको कोई जानता नहीं है, मतलब इनका कोई नाम नहीं पता ये राइटर कौन है, ठीक है। टोटल जो वर्क की संख्या है वो 54 वर्क है, और आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। मुझे बताइएगा कमेंट में आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, और आगे भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, और क्लास में अभी 50 क्वेश्चन रहे थे लेकिन कल हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ, ठीक है। तो जो लोग पहली बार आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली क्लास आप तक पहुँच जाए, और इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।